नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपकी बिहार में जो आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है, उसकी जो आपकी फाइनल आंसर की है वो आपकी आ चुकी है। तो आप उस फाइनल आंसर की को किस तरीके से डाउनलोड कर पाओगे उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी कौन सी रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से आपको अपनी फाइनल आंसर की को डाउनलोड करना है और आपत्ति दर्ज करने की आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना है। इसके में जो सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है, इसी सर्च बॉक्स में आपको बीपीएससी डाल के आप सर्च कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बीपीएससी आप हम सर्च कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो पहली साइट दिखेगी, आपको ये दिख रही होगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट इसकी खुल जाएगी। आप देख सकते हो इसकी जो आंसर की है वो आपकी ये रही आंसर की, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आपकी पूरी आंसर की है जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे इस चीज़ को। देखिए, सेकंड प्रोविजनल आंसर की, और यहाँ पे जनरल स्टडी का अगर पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करिएगा। जनरल पेपर टू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इस पर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर यहाँ पे डाउनलोड करिएगा क्लिक। और यहाँ पे लैंग्वेज पेपर फर्स्ट सेट ई का करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप करिएगा। अब जैसे ही करोगे ये आंसर की डाउनलोड होने लगेंगी। यहाँ पर 9th 10th वालों की यहाँ सभी आंसर की दी गई है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्सियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। इसी तरीके से 11th और 12th वालों की सभी की आंसर की दी गई है। तो आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो वही उसी की आंसर की आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? तो आप इस तरीके डाउनलोड कर सकते हो। एक एक मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने जनरल पेपर टू पे डाउनलोड कर दिया, तो यही जो आंसर की है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से आपकी जो आंसर की है वो आपकी खुलेगी। तो देखिए, ये आपकी आंसर की पूरी डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी खुलेगी आंसर की। देखिए, ये आपकी पूरी आंसर की खुल गई है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी आंसर की खुल जाएगी 24/8/2023 फर्स्ट सीटिंग, और यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की जनरल स्टडी पेपर टू। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर की पूरी मिला सकते हो। देख सकते हो ये आपकी आंसर की इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। और आपको आंसर की कैसे मिलानी है, इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया था किस तरीके से आपको आंसर की मिलानी है, ठीक है? तो वो चीज़ आप यहाँ पे मतलब उससे आप मैच कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सीरीज वाइज आपको सब पेपर की आंसर की दी गई है। जैसे सेट ए की दी गई है, सेट बी की दी गई है, सेट सी की दी गई है, सीरीज, और सीरीज आपका यहाँ पे डी का दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखो सबकी आंसर की दे दी है। तो यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी, इसी तरीके से सेम टू सेम नीचे की साइड पर जाती जाएगी। तो आपका जो भी सेट था उससे आप मिला लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी होगी मिलाने में, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि तो पहले जो इन्होंने आंसर की दी थी वो एक क्वेश्चन पेपर के हिसाब से दी थी, परंतु अभी आपकी जो आंसर की जा रही है वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। इसमें आप आसानी से अपना पेपर निकालिए और पेपर निकालने के बाद इसको मिला लीजिएगा, ठीक है? आसानी से मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप किसी भी यहाँ पे आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी आप चाहो वही आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। उसी पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? जैसे हिंदी की यहाँ करना चाहो या जनरल स्टडी पेपर सेट टू की करना चाहो, तो इस तरीके से आपकी जो आंसर की है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पे जो 15 तारीख को आपको ये नोटिस दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बात बताई गई थी कि यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अपलोड कर सकते हो फिर से। तो ये भी आपकी एक प्रोसेस है, इसको इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग थी वो आपको जरूर से पता होगी, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो भी आपको बनाने का प्रयास करूंगा। तो इसका जो नोटिस था उसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। नोटिस में आपको बताता हूँ कि आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या आपकी रहने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया है कि यहाँ पे जो आंसर की थी, देखिए, दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापकों के पदों की नियुक्ति के हेतु संबंध में विषयों में औपबंधिक उत्तर कुंजी 1/9/2023 को अब आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए दिनांक 5/9/2023 से दिनांक 7/9/2023 तक आपके उम्मीदवारों ने आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। पुनः दिनांक 8/9/2023 से दिनांक, आपको दूसरा एक मौका दिया गया था 11 तारीख तक आपत्ति आमंत्रित हेतु तिथि विस्तारित की गई थी। तदनुसार उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाएं श्रृंखला नंबर ABCD एवं प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला EFGH
के सभी प्रश्नों के द्वितीयक औपबंधिक उत्तर कुंजी यानी 16 और आपकी ये 16 तारीख को यहाँ पे देखो पब्लिश की गई है से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो यहाँ पर आपकी आ चुकी है, आप इनको अब अपने पेपर के हिसाब से मिला लीजिए तो आपको जो पहले थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है उक्त के विषय में सम्मिलित मात्र वैसे ही उम्मीदवार जिनके द्वारा पूर्व में प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज की गई थी वे द्वितीयक औपबंधिक उत्तर पुनः आपत्ति अमित किए जाते हैं। तो जिन्होंने पहली बार यहाँ आपत्ति क्वेश्चनों पर करी थी वही यहाँ पे अब आपत्ति कर पाएंगे। द्वितीय औपबंधिक उत्तर यदि आपत्ति हो तो वे अपने यूजर और पासवर्ड नेम से लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर और यहाँ पे जो आपकी आपत्ति दर्ज करने की डेट रहेगी वो आपकी 18 से 20 तारीख तक रहेगी। ठीक है, तो आज 18 तारीख से आज आपकी चालू हो जाएगी तो यहाँ पर आप यहाँ पे आपत्ति कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे प्रमाणिक साक्ष्य आपको अपलोड करने होंगे ताकि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर हो पाए कि आप मतलब सही क्वेश्चन के लिए आपके पास कुछ प्रूफ भी है। उसके लिए यहाँ पर जो आपको रुपए यहाँ पे आप चार्ज किए जाएंगे वो आपके 500 रुपए यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। देख सकते हो ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तो आपको ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करनी है। तो आपको आप 500 रुपए लिए जाएंगे, पहले इन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया था, आप 500 रुपए की बात कर रहे हैं तो 500 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, द्वितीय औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर आपत्ति तिथि तक आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा और तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई भी आपत्ति विचाराधीन नहीं होगी। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब यह है कि अभी आप कर लीजिए, इसके बाद जो भी उत्तर बचेंगे यानी जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं अगर उन पर कोई आपत्ति नहीं आती है तो आपके वो जो क्वेश्चन है वो आपके निर्विवाद आपके आदर्श उत्तर मान के उन्हीं के हिसाब से आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक कर दी जाएंगी और आपका आंसर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल पाए और वो भी इस चीज़ की जानकारी ले पाएँ। ओके, और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।